33% महिला आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान छेड़ दिया है। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सुमित्रा चौहान, इनसे जानते हैं कि क्या कार्यक्रम रहेगा। आज हमने हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस ने हमारा हक पंचायत से संसद तक कार्यक्रम के तहत एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, जिसमें हमने विधानसभा और संसद में 33% महिला आरक्षण के लिए ये लागू हो, इस बात के लिए हम पूरी हरियाणा की जनता के पास जाएंगे, महिलाओं के पास जाएंगे, आमजन के पास जाएंगे। जो भी हमारी इस बात का समर्थन करता है उसके हम हस्ताक्षर करवाएंगे, उसका पूरा एड्रेस लेंगे, उसके दस्तक लेकर हम पूरे हरियाणा के 20 अगस्त तक हमारी सभी कोऑर्डिनेटर्स, हमारी सभी जिलाध्यक्ष, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सभी ऑफिस बेयरर्स अपने अपने जिलों में और ब्लॉक में इसको शुरू करेंगे। प्रदेश से आज हमने कर दिया और लाखों की संख्या में जब हमारे पास हमारा मानना यह है कि कई लाख हस्ताक्षर हमारे हो जाएंगे, वो लेकर हम अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती शोभा ओझा जी को 20 अगस्त को राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर हम उनको सौंपेंगे, क्योंकि राजीव जी का ही सपना था। मैडम, आपकी 10 साल यूपीए की सरकार रही है, तो उस समय आपने 33% आरक्षण लागू क्यों नहीं किया? हमारी जो सरकार थी यूपीए की, श्रीमती सोनिया गांधी जी बिल्कुल कटिबद्ध थी, देना चाहती थी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं करीबन 2 दशकों से एक चलन आ रहा है, पहली बार भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। गठबंधन की सरकारों में जो छोटे दल थे उन दलों को विरोध होते हुए कांग्रेस पार्टी इसको नहीं दे पाई। आज भी श्रीमती सोनिया गांधी जी चाहे भाजपा हो, भाजपा को भी ये याद दिलाना चाहती है, पूर्णतः हम पहले भी देना चाहते थे और आज भी दिलवाना चाहते हैं, उनके हकों की लड़ाई के लिए हमने हस्ताक्षर अभियान छेड़ा है कि 50% आबादी है, उनको आप जब तक संसद और विधानसभाओं में बैठने का स्थान नहीं देंगे तब तक आगे इस देश की महिलाएं तरक्की नहीं कर सकती, ये उनसे हमारी मांग है। मैडम, आपको लगता है कि 33% महिला जो है सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए, चाहे संसद के हो चाहे विधानसभा के हो? जहां तक प्रश्न है काबिलियत का, मैं एक बात मानती हूं, आप 33% की बात कहते हैं, मैं कहती हूं 33% क्यों, 50 भी हो सकती है। अगर काबिलियत पर आ जाए तो इस देश की बेटी ही कल्पना चावला थी, इस देश की प्रधानमंत्री हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी जो पूरे विश्व में लोहा मनवाया। हमारी बहनें पायलट हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकती हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, अंतरिक्ष में जा सकती हैं, तो क्या राजनीति में जब वो एक घर चला सकते हैं तो राजनीति क्यों नहीं चला सकती? मैडम, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो यही कहती हैं कि जब चुनाव होते हैं तो सक्षम महिलाएं नहीं मिलती जो चुनाव में उतारी जा सके। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं होता, कोई भी दल हो, एक अपने आप को जो पुरुष की मानसिकता है असुरक्षित, वो ये सोचते हैं कि कल को आज जो तुम चुनाव लड़ रहे हो कहीं तुम्हारी सीट तो महिलाओं के पास नहीं चले जाए। अगर मेरिट के आधार पर देखा जाए तो कोई भी सीट ऐसी नहीं मिलेगी। आज मैं 90 विधानसभा के और 10 लोकसभा की बात करती हूँ, हरियाणा में हम चाहे तो 90 की 90 पे महिलाएं लड़ सकती है और 10 की 10 लोकसभा में एक एक नहीं कई कई प्रत्याशी इंटेलिजेंट पढ़ी लिखी और सक्षम महिलाएं मिलेंगी, लेकिन ये छोटी मानसिकता दर्शाता है, कहीं उनकी एक अंदर का छुपा हुआ डर ये बात कहलवाता, अदरवाइज वो भी जानते हैं। आज हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी महिला है, आज भी लोकसभा की अध्यक्ष भी महिला है, इससे पहले कांग्रेस में भी लोकसभा अध्यक्ष भी थी, हमारी पार्टी की भी है, लेकिन महिलाओं ने अपने कहीं पर भी काबिलियत का सबूत दिया है। मैडम, जो हस्ताक्षर अभियान छेड़ा हुआ है, क्या ये पूरा करने के बाद भाजपा सरकार पर दबाव डालोगे कि इसको 33% महिला को आरक्षण देना शुरू किया जाए? जो हमने हस्ताक्षर अभियान छेड़ा है, हम ये बताना चाहते हैं जो इस पूरे देश की आबादी 50% है, तो क्या उनको विधानसभाओं में और लोकसभाओं में बैठने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल दबाव देंगे, हमारी बेटी तब सुरक्षा महसूस करेगी जब जहां हम कानून बनाते हैं, हम महिलाओं के कानून की बात करते हैं, उनमें जब बराबर हमारी महिलाएं बैठेंगी तभी महिला सुरक्षा के कानून अच्छे बनेंगे।
ये थी मेरे साथ हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सुमित्रा चौहान। इनका कहना है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने के लिए उन्होंने हस्ताक्षर अभियान छेड़ दिया है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव डालेंगे कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।